हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप दोस्तों जो अपने यूट्यूब चैनल का थंबनेल कैसे बना सकते हो। यहाँ पे जो थंबनेल कुछ अलग कैटेगरी का है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने एक बनाया हुआ है जो रोस्ट यानी रोस्ट यूट्यूब चैनल का, जो अगर थंबनेल आपने देखा होगा कुछ इसी तरीके का, कुछ इसी तरीके का क्वालिटी में होता है, जो आपने कई सारे यूट्यूबर के थंबनेल को देखा ही होगा तो आपको ध्यान में होगा ही। तो आज की इस नए वीडियो में आपको कुछ इसी प्रकार के थंबनेल के बारे में बताने वाला हूँ कि आप जो कुछ इस तरीके का थंबनेल कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। तो बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इस थंबनेल को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे PNG का यूज होगा, कई सारे जो यहाँ पे जो बैकग्राउंड का यूज होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, और बताने से पहले यहाँ मैं अपने पिक्सल लैब जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइड में, नीचे के साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे जो नीचे फोर्थ ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको इमेज साइज की ऑप्शन को सिलेक्ट करके डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल बैनर वाले साइज को सिलेक्ट करके नीचे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको जो यूट्यूब चैनल का थंबनेल होता है दोस्तों उसका साइज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अभी आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है, और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो भी फोल्डर यानी जो भी सारी इमेज को यूज कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो सारे का PNG जो लिंक है, बैकग्राउंड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने जो कुछ 4 बैकग्राउंड दिए हुए हैं, और यहाँ मैं जो इस बैनर में फोटो यूज करूँगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दो फोटो दिख रहा होगा, और कुछ यहाँ मैंने जो मेरा आग का PNG है, और यहाँ पे कुछ जो इमोजी है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका इमोजी रहेगा अपने हिसाब से यूज करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पे जो है ए वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है इसको क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे आपको नीचे थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके रिलेटिव साइज के ऑप्शन पर आना है, हाइट और विड्थ फुल कर देना है, ऊपर राइट के जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको कलर फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो अपना इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा इसको कम ज़्यादा करके चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसको पहले जैसा रखना है तो इसका आपको 0 पे रख देना है यहाँ से। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको जो 0 पे रख लेता हूँ, उसके बाद ऊपर मैं राइट के जो ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना होगा तो कर सकते हो, और यहाँ पे लेयर की ऑप्शन पे आके इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद लेयर की ऑप्शन क्लिक कर देना है, और प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है, और यहाँ पे आपने जो भी सारा PNG रखा हुआ है, जो भी लेडीज़ का आप यहाँ पे रोस्ट करके वीडियो बना रहे हो उसका आपको यहाँ पे PNG कुछ रखना है। तो मेरे यहाँ पे देखो कि मेरे पास कुछ यहाँ पे फोटो है अभी के लिए, मेरा PNG नहीं है। तो अगर मुझे इसको PNG बनाना होगा तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो अपने नेट को चालू करना है, और यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप गूगल भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है अपने हिसाब से, कोई भी ब्राउजर को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपको सर्च करना है RemoveBG करके, RemoveBG यहाँ पे दोस्तों आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड इमेज के ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्राउजर का ऑप्शन क्लिक करके जो भी आपने इमेज लिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा तो मेरा जो इमेज है सारा इमेज एक ही, यानी जो भी लेडीज़ करेक्टर है सारे लेडीज़ करेक्टर का एक ही इमेज है। तो यहाँ पे अगर आपका अलग अलग इमेज रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, एक ही साथ रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉप करके भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आपका जो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, और नीचे डाउनलोड के ऑप्शन क्लिक कर देना है, जो इमेज यहाँ पे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी आपको वापस जो अपने पिक्सल लैब में आना है, तो यहाँ पे चलिए मैं अपने पिक्सल लैब में आ जाता हूँ। मैं अपने पिक्सल लैब में आ चुका हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने अभी इमेज को PNG में किया उस इमेज को चलिए पहले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया होती है, मेरे पास यहाँ पे 3 इमेज हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैं इसका कॉपी ले लेता हूँ, 1, 2, यहाँ पे मैंने 2 कॉपी ले ली, यानी मेरे पास यहाँ पे 3 इमेज हो चुका है, क्योंकि यहाँ मेरे पास 3 लेडीज़ का इमेज है तो इसलिए मैंने 3 कॉपी लिया। और यहाँ मैं क्रॉप के ऑप्शन जाकर पहले वाले इमेज को यहाँ पे पहले इसमें रखता हूँ, राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, इसे दूसरे वाले को सिलेक्ट करके क्रॉप के ऑप्शन जाकर इसको मैं यहाँ पे इधर से क्रॉप कर लेता हूँ, और दूसरे साइड से भी क्रॉप करके बीच वाले को ले लेता हूँ, और इसी तरीके से मैं तीसरे वाले को सिलेक्ट करके लास्ट वाला जो यहाँ पे ले लेता हूँ, बाकी क्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 इमेज आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप जितना चाहिए इमेज उतना इमेज यूज कर सकते हो, और इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे सेट करता हूँ, या तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको सेट करने के बाद चले जाना है स्टॉक के ऑप्शन पे, इसको इनेबल करना है, और स्टॉक को यहाँ पे जो है अपने बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, जितना भी आपको रखना है यहाँ पे आप बढ़ा लेना है। और यहाँ पे आपको जो स्टॉक में व्हाइट कलर को ही रखना है, मेरा पहले से यहाँ पे सिलेक्ट है, और ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप यहाँ
पे जो भी सारा इमेज आपको सारे इमेज में यहाँ पे जो है व्हाइट कलर का स्ट्रोक दे देना है सेट करके, ठीक है। जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे जाके सेट करने के बाद उसमें व्हाइट कलर का जो स्ट्रोक दे देना है कुछ इस तरीके। जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रोक दे देता हूँ और यहाँ जैसे मेरा इतना इमेज सेट करके यहाँ पे हो चुका है, इसको मैं ऊपर साइड रखूँगा तो इसको मैं सिलेक्ट करके टू फ्रंट की ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ, मेरा ऊपर की साइड में आ चुका है। और अभी आपको प्लस की ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है और यहाँ पर दोस्तों अभी आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो आप यहाँ पे अपने इस बैनर पोस्टर में लगाना चाहते हो यानी थंबनेल में लगाना चाहते हो। यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक इमेज है यानी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल का ही फोटो है, मेरा नहीं दोस्तों किसी और का ही है, तो यहाँ पे जो मैं इस फोटो को यूज करूँगा। यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब पे एक यूट्यूब चैनल है तो उस चैनल का नाम है जो है अनुपम राजपूत करके, तो यहाँ पर जो मैंने उसी लड़के का यहाँ पर जो PNG यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसको मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं चले जाता हूँ जो स्ट्रोक ऑप्शन पर इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पर इसका स्ट्रोक मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको आप जहाँ पर भी सेट करना है कर सकते हो। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पे और भी कोई एक लेडीज़ का PNG यूज कर सकते हो अगर आपके पास है तो इसको आप जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी नहीं है तो इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी लेता हूँ और इसको मैं इसके दूसरे साइड में सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लेयर की ऑप्शन पे नहीं तो मैं इसी को सिलेक्ट करके टू फ्रंट की ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ, मेरा ऊपर के साइड में आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपका इतना काम करके हो चुका है। प्लस की ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है, आपको उसी फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पे आपको कुछ इमोजी का PNG देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप कोई भी इमोजी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाले को लिया, साइज आपको इसका भी छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद इसको भी आपको यहाँ पे सेट कर देना है और यहाँ पे स्ट्रोक के ऑप्शन जाके इसको इनेबल करना है, थोड़ा सा स्ट्रोक इसमें दे देना है। ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है, प्लस के ऑप्शन सेलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी जाना है। यहाँ पे आपको फायर का PNG यानी आग का PNG मिलेगा, सिलेक्ट करके इरेज कलर के ऑप्शन जाके इसको इनेबल करना है। आपको जो यहाँ पे व्हाइट कलर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके स्ट्रोक के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको इनेबल करना है, स्ट्रोक को अपने बढ़ा देना है। ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके इसका भी साइज आपको छोटा कर देना है, जहाँ पे सेट करना है वहाँ पे सेट कर देना है इसको कुछ इस तरीके से, तो आपका भी यहाँ पे सेट करके हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी आपका जो भी काम करना था वो यहाँ पे लगभग आपका फोटो इमेज जो भी आपका यहाँ पे सेट करना था वो सेट करके हो चुका है। यहाँ पे आपको जो काम बाकी रहेगा लिखने का काम, यानी जिसके ऊपर आप यहाँ पे रोस्ट कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कुछ। तो कैसे लिखोगे, लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्लस के ऑप्शन क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डबल टैप। यहाँ पे अभी आपको आने के बाद जो भी लिखा है उसको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे आप जिसके बारे में रोस्ट कर रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिख के रोस्टिंग यानी जो भी आपको लिखना है वो लिखोगे। तो एग्जाम्पल में जो पूरे टेक्स्ट को जो कैपिटल में करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सोफिया, जैसे मैंने लिखा सोफिया और यहाँ पे लिखता हूँ अंसारी रोस्ट वीडियो, ऐसे मैं एग्जांपल के लिए कुछ लिख देता हूँ रोस्ट और यहाँ पे वीडियो कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। सॉरी यहाँ मेरा गलत हो गया, वीडियो भी मेरा लिख के हो चुका और यहाँ मैं डन करके ओके कर देता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। साइज में इसका बड़ा करता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पे नीचे ला के सेट कर देता हूँ एक ही ऑप्शन पर जाके। इसमें मैं कोई कलर दे देता हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कलर दे दिया रेड कलर या तो रेड डार्क कलर, यहाँ पे जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर दोगे। ऊपर राइट के जो ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे जो फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो माई फोन के ऑप्शन जाना है, यहाँ पे आप जो भी फोन रखे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो या तो आप यहाँ पे पिक्सल लाइफ से डायरेक्ट कोई भी फोन को सिलेक्ट कर सकते हो जो भी फोन पसंद है। नीचे ओके करोगे तो जो फोन आपको यहाँ पे आ जाएगा। और अभी आपको यहाँ पे जो स्टॉक के ऑप्शन इसको इनेबल करना है, यहाँ पे स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक में आप जो भी कलर देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मैं व्हाइट कलर को रखता हूँ, ऊपर मैं राइट के जो ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ और इसी टेस्ट का कोई कॉपी ले लेना है और यहाँ पे आपको जो अपने स्टॉक में कलर दिया हुआ रहेगा दोस्तों वही कलर आपको जो अपने इस टेक्स्ट में भी देना है। तो यहाँ मैं कलर के ऑप्शन जाएगा, इसमें भी जो व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो चुका है। ऊपर मैं राइट का ऑप्शन क्लिक करके और वापस मैं स्ट्रोक के ऑप्शन में गया, स्ट्रोक को पूरा फुल कर देता हूँ, यानी जो मेरा टेक्स्ट है स्पेस दिख रहा है बीच में वो नहीं दिखना चाहिए कुछ इस तरीके से, मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं अभी ला के यहाँ पे इसके नीचे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अभी आपको जो ये नीचे वाला टेक्स्ट आपको जो ढक जा रहा है इस टेक्स्ट से उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको चले आना है यहाँ पे और यहाँ पे टू फ्रंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके और अभी इस टेक्स्ट को आपको नीचे लाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे तो आप जो पहले वाला टेस्ट है इसका स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हो या तो आप इसमें कोई दूसरा भी कलर यूज कर सकते हो जो आपका फोन का कलर है। यहाँ से आप कलर की ऑप्शन जाके यहाँ से भी आप कोई दूसरा कलर यूज कर सकते हो जो भी आपको कलर पसंद है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो अपना टेस्ट को भी बना सकते हो। इतना काम करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको जो एक यूट्यूब चैनल का जो रोस्ट वीडियो का थंबनेल है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से एक रोस्ट वीडियो का रोस्ट यूट्यूब चैनल के वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए। और यहाँ पे जब आपका ये थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे आपको शेयर की ऑप्शन क्लिक करना है। डायमेंशन में आपको कस्टम का ऑप्शन नजर आएगा, साइड में डॉट पे क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी थंबनेल बना रहेगा दोस्तों वो थंबनेल आपके गैलरी में जाके HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से एक यूट्यूब चैनल का रोस्ट वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए। तो जाइए दोस्तों अभी बनाइए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।